ऐसा है, पहले तो आपका स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है, नई टीम का स्वागत है मेरे चकवाली गांव में। ये सोच हमारे प्रधान जी, हमारी माता श्रीमती सविता देवी, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। वो तुलसी की भी पूजा करती हैं, पानी की भी पूजा करती है। तो उनका मानना है कि अगर तालाब जैसे धर्म से जुड़ेंगे और राष्ट्र से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो हमने सलाह बनाई कि भाई हम एक ऐसा तालाब बनाएंगे गांव के लोगों ने मिलके, कि जो राष्ट्र का नक्शा से प्रेरित होगा, राष्ट्र के नक्शे को दिखाएगा। क्योंकि आपको पता है कि तालाब ऊपर ही कूड़ा डालते हैं लोग, डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं तालाब। और धर्म और राष्ट्र से जब जुड़ेंगी ये चीज़ें तो आप संभवतः पूरे भारत में एक परिवर्तन होगा। इसी सोच के अनुसार हमने काम किया और इसी का नतीजा ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के उच्च अधिकारी गणों के सम्मुख और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के सम्मुख हमारी माता जी श्रीमती सविता देवी जी को 4 मार्च में सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज़ क्यों सोची गई कि भारत का ही नक्शा बनाया और लगभग उसकी दूरी भी मुझे बताई गई कि उसकी दूरी भी उस तरह से रखी गई, क्या पूरा वो रखा है आपने? इस भारत के नक्शे की दूरी के बारे में आपको बता दूं मैं पहले, 3200 कुछ किलोमीटर हमारी लंबाई है भारत के नक्शे की। उसी अनुपात में हमने 32 मीटर इसकी लंबाई रखी है, 29 मीटर चौड़ाई रखी है। दूसरी बात, आपका सवाल था कि क्यों ऐसा भारत का नक्शा ही क्यों। आप देखिए कि राष्ट्र प्रेमी हर एक हिंदुस्तानी है, सभी राष्ट्र प्रेमी, पूरी दुनिया में कोई भी अपने, सब लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोग भी अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो अगर राष्ट्र का नक्शा अगर तालाब के रूप में ढलेगा तो बिल्कुल फायदा ही फायदा है। और क्योंकि जल संरक्षण और जल स्वच्छता, कैच द रेन अभियान, बहुत सारे अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशन द्वारा, जैसे हमारे माननीय CDO साहब हैं, हमारे DPRO साहब, DM साहब, हमारे SJM मैडम, हमारे उच्च अधिकारी इतना ध्यान दे रहे हैं इस काम पर कि पूरे जनपद के अधिकारी, मैं कहूँगा कि एक अच्छी टीम बनाकर अच्छे प्रधानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जल संरक्षण के रूप में। तो अब इसको कैसे आप जल से वो रखेंगे, मतलब बारिश का पानी या दूसरे पानी से कैसे? अभी पिछली बारिश में भी हमने इसमें पानी भरा था, जब पहले भी मीडिया बंधु आए थे, तो अभी एक ही बारिश हुई है। उसके बाद अभी जैसी बारिश होगी, हमने यहाँ एक बिल्डिंग है हमारी, उसका भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा पानी इसी में डाल रहे हैं बारिश का। आसपास के जो प्लॉट हैं, इसके खेत दिखाई दे रहे हैं, उनका भी पानी इसमें आएगा। वर्षा का ही जल संचयन होगा और ऐसा पानी देंगे हम आपको जिसको आप हाथ से पी सकेंगे। मेरा नाम अमरीश कुमार, मैं चकवाड़ी गाँव में रहता हूँ और करनाल जॉब करता हूँ। मैं हर संडे बच्चों को लेके तालाब पे आता हूँ, यहाँ बच्चे देखते हैं। और जो नक्शा हमारे गांव में बना है वो हमारे लिए बहुत गौरव का पल है, क्योंकि इससे सभी को जल संरक्षण के विषय में जानकारी मिल रही है और ये उत्साह का विषय है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो बाकी और गांव हैं जिनके अंदर आज विकास को लेकर या और चीज़ों को लेकर काम नहीं हो पा रहे, उसको देखते हुए क्या? हमारे जिला सहारनपुर में लगभग 1500 गाँव है, उसी में हमारे गाँव का आज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर नाम चल रहा है। आज तक न्यूज़ में भी मैंने देखा था कि उसमें भी ग्राम प्रधान और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से जो सब कुछ विकास का कार्य चल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।